हेलो फ्रेंड्स, हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो का V27 वर्सेस वीवो का Y100A। वैसे इनका कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि इनका प्राइस का काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, सीरीज़ का काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, पर ये दोनों फ़ोन लेटेस्ट है तो आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। अगर बाई चांस आपको आप बजट लेने का है कि हम आप ये फ़ोन ले रहे हो, क्या पता आपको ये पसंद आ जाए, आप ये ले लो, और क्या पता आप ये लेने वाले हैं, क्या पता ये ले लो, तो इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं ताकि दोनों का आपको पता चले। इसको लॉन्च हुए को कुछ ही दिन हुए हैं, इसको लॉन्च हुए को 3 हफ्ते हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर आपने इनको कोई चला के देखना है या परचेज करना है, आपकी कोई भी इंक्वायरी, आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो, शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के प्राइस के बारे में, तो ये आपको मिल गया 33,000 का, और इसके दो वेरियंट मिलेंगे, एक 33,000 का, एक मिल गया 37,000 का, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये 27,000 में एक ही वेरिएंट मिलेगा। अगर देखा जाए तो, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसके बड़े वेरिएंट के साथ, इसके छोटे वेरिएंट के साथ, तो इसका जो प्राइस पड़ता है 10,000 का डिफरेंस पड़ता है। तो जो इसका 33,000 का, अब आप देखते हो कि आपको बजट कितना बनता है। अगर आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च रहे हो, या सॉरी 6,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च रहे हो, तो आप इस पर भी आ सकते हो। अगर आपका 6,000 का बजट नहीं है तो आप ये भी परचेज कर सकते हो। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं सिंपल सा। वैसे इनका कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता, पर आपको डिटेल सिंपल सी दे देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्राइस के बारे में, जो कि मैंने इन दोनों का प्राइस बता दिया है, 33,000, 27,000। अगर हम बात करते हैं लुक वाइज, काफ़ी डिफरेंस रहता है। इसकी लुक थोड़ी ऐसी की रहती है जैसे एप्पल का, जैसे फ़ोन आते हैं ना चोर चोर से, ठीक है ना, इसका थोड़ा प्रीमियम लुक लगती है मुझे। कर्व डिस्प्ले मुझे पसंद है, तो इसकी कर्व डिस्प्ले आ जाती है, क्योंकि 33,000 में कर्व डिस्प्ले मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्ले साइज की, तो सबसे पहले हम वीवो को 27 की बात करते हैं, तो इसका जो डिस्प्ले रहेगा वो रहेगा 6.78 इंच फुली HD प्लस 120Hz के साथ काम करेगी। AMOLED डिस्प्ले है 3D कर्व के साथ, ये चेक कर सकते हो, इसकी कर्व डिस्प्ले चेक कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया लगती है, ऑसम लगती है, पर इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। AMOLED डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है ओवरऑल देखा जाए तो। अगर हम Y100A की बात करते हैं वीवो के, तो इसकी जो डिस्प्ले साइज रहेगा वो इसका रहेगा 6.38 इंच फुली HD प्लस 90Hz के साथ काम करेगी। AMOLED डिस्प्ले क्वालिटी है इसकी, ठीक है, ये चेक कर सकते हो, कर्व डिस्प्ले नहीं, एकदम सीधी डिस्प्ले रहने वाली है, ठीक है। AMOLED डिस्प्ले है इसकी, और क्वालिटी में मामले में देखा जाए तो दोनों की अच्छी क्वालिटी रहने वाली है। और अगर बात की जाए तो कर्व में ये है, ये नॉन कर्व है। अब आ जाते हैं फ्रंट कैमरों के बारे में। फ्रंट कैमरों की बात की जाए तो इसमें आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 50 मेगापिक्सल का है, ठीक है। अगर हम वीवो के Y100A की बात करते हैं, तो इसमें जो फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिला 16 मेगापिक्सल का। एक बार देख ले दोनों को चला के, 16 मेगापिक्सल और 100 मेगापिक्सल में देखे जाए, भाई फ्रंट आ जा चेक कर सकते हो, डिफरेंस तो आपको देखने को काफ़ी मिल रहा है, ठीक है, दिख रहा है, मिल रहा है ना कैमरा में, दिख रहा है ना, ठीक है, डिफरेंस आपको देखने को दोनों में काफ़ी देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसमें फोकस चेंज कर सकते हो आप जो करना है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 50 मेगापिक्सल पंच होल, और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल बायो ड्रॉप नोच में, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं राइट साइड में चेक कर सकते हो कि दोनों के पावर लॉक बटन और वॉल्यूम की के अप डाउन के बटन सेम पोजीशन पे है। और देखा जाए तो ये थोड़ा काफ़ी मोटा सा लग रहा है, ये काफ़ी स्लिम लग रहा है। वेट की बात की जाए तो वेट लगभग दोनों के सेम ही है, इसका थोड़ा सा लाइट लग रहा है, ये थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट देख सकते हो दोनों की एकदम क्लीन देखने को मिल जाती है, एकदम क्लीन। अब की बात करते हैं सेकेंडरी माइक, दोनों में आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बैकग्राउंड का साउंड कैंसिल करते हैं, ठीक है। सिम स्लॉट आपको ऊपर देखने को मिलेगी, दोनों के दोनों फ़ोन 5G है, ठीक है, सिम स्लॉट ऊपर देखने को मिल जाती है। अगर हम नीचे की बात करते हैं, नीचे स्पीकर ग्रिल सेम है, टाइप सी सेम है, और आपको मेन माइक दोनों में पोजीशन में मिलते, आगे पीछे मिलते, पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ सिम स्लॉट आपको नीचे देखने को मिल जाती है, ठीक है, और यहाँ पे आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, इसमें हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, तो ये इसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हेडफोन जैक कई सेटों में नहीं आता, पर इसमें है तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी आप बताना कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें बैक कैमरा में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं V27 में, Y100A में भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसके कैमरों की बात करते हैं, इसका जो कैमरे है वो रहेंगे आपका 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। बैक में कैमरा रहते हैं 3, ठीक है। अगर फ्लैश की बात करते हो, ये रिंग लाइट की तरह फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी, ठीक है, और नीचे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है वीवो की, इसमें 2 आपको कलर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं Y100 की, तो इसमें भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, पर ऐसे देखने को दूर से लगता है कि जैसे इसमें 2 ही कैमरा है,
इसका जो मेन कैमरा रहेगा वो रहेगा 64 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस 2, साथ में फ्लैश देखने को मिल जाती है, नीचे ब्रांडिंग मिल जाती है वीवो की। ठीक है फ्रेंड्स, कैमरे के बारे में सारी डिटेल दे दी हमने ओवरऑल। तो अगर हम बात करते हैं इसके कलर चेंजिंग की, तो कलर चेंजिंग आपको दोनों में मिलती है। अगर आप दोनों धूप में लेके जाओगे तो दोनों अलग अलग कलर दिखाएंगे। इसमें थोड़ा येलो कलर का टोन हो जाती है और इसमें देखते हैं डार्क ब्लू हो जाते हैं। जैसे अगर आपने थंब रखे इसको धूप में लेके चले गए तो आपको थंब का कलर अलग दिखेगा, बाकी इसका अलग दिखेगा। तो ये कैसा लगता है कमेंट करके बताना मुझे। ये थोड़ा ऑड लगता है कि अगर हम बात करते तो ऐसे करके, तो इसको हटाते तो उंगलें इसके ऊपर छपी होती हैं, तो वो मुझे थोड़ी ऑड लगती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मुझे कर्व डिस्प्ले बहुत पसंद है, इतने कम प्राइस में कर्व डिस्प्ले मिल रही है, आई लाइक इट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दोनों के प्रोसेसरों के बारे में, कैमरा की डिटेल होगी, उससे पहले रैम की डिटेल की बात करते हैं। अगर रैम के बारे में देखा जाए तो इसकी जो रैम रहेगी वो 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी, क्योंकि 33,000 में है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका जो दूसरा वेरिएंट है वही V27 का, वो 37,000 का है, जो उसमें आपको 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, 256 GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, जो कि 37,000 में है। पर उसके लिए आपको इस सेट के अकॉर्डिंगली 10,000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ता है, 27 का 37 का हो जाता है। ठीक है, वैसे अगर आप इसका 33 का लेते हो जिसमें कि जो रैम आपको देखने को मिलेगी 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वीवो के इस वाले सेट की Y100A की, तो इसकी जो इंटरनल मेमोरी वो 8 GB रैम है। ठीक है, पर इसकी जो स्टोरेज है वो 256 GB है, जो कि आपको 27,000 रुपये में मिलता है, ये एक ही वेरियंट में आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर देखा जाए तो इसकी स्टोरेज काफ़ी अच्छी है। अगर बात की जाए तो इसकी रैम बढ़ानी है, आप सेटिंग में जाके 8 GB रैम बढ़ा सकते हो। रैम कैसे बढ़ती है, जो स्टोरेज है ना वो कम हो जाती है और इसकी रैम बढ़ जाती है, पर मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, एक तो आपकी स्टोरेज कम हो जाएगी, दूसरी बात कि आपकी जो बैटरी कंजम्पशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और हम उसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। यदि आपने गेमिंग करनी है तो ऑब्वियसली आपको बैटरी भी ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, अगर आपने रैम ऑन कर दी तो आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी हो जाएगी, पर बैटरी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और इंटरनल मेमोरी कम हो जाएगी। बाकी एज यू विश, अगर आपको लाइव करना है तो आप कर भी सकते हो, सेम फीचर आपको इसमें मिल जाता है, आप रैम बढ़ा सकते हो। अब कैसे बढ़ानी है, दोनों में सेम है, मैं आपको वैसे एक में बता देता हूँ। आपने सेटिंग में जाना है, ऊपर से नीचे स्वैप करोगे, सेटिंग में जाना है, जहाँ मर्जी से चलो ऊपर स्वैप करोगे, आपको अवार्ड में आ जाना है, सॉरी इसमें थोड़ा चेंज रहता है, यहाँ पे आएगा आपको रैम का ऑप्शन, ये देखो रैम है, यहाँ पे क्लिक करोगे रैम का ऑप्शन आ जाता है, ये देखो यहाँ पे 8 GB रैम तक आप बढ़ा सकते हो। यहाँ क्लिक करोगे ऊपर रैम पे, ये देखो ऑन करोगे तो इसकी 8 GB रैम बढ़ जाएगी, बल्कि अगर इसकी 8 GB रैम है तो ये 16 GB रैम पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर इसकी 8 GB है ये भी 16 GB पे शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं ये रेकमेंड नहीं करता, एज यू विश फीचर दे रखा है, काफ़ी बढ़िया है। तो ये था सिंपल सा कंपेरिजन। उससे पहले हम बताएं अब इसकी बैटरी अपना प्रोसेसर के बारे में। इसमें प्रोसेसर आपको मिलता है मीडिया टेक का डायमेंसिटी 7200, 7200 इसका प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं Y100 की, तो 100A की, तो इसमें जो प्रोसेसर मिलेगा वो मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन 695। ठीक है, 695 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का। अगर हम इसकी बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो बैटरी के बारे में बात की जाए तो इसमें 4600 mAh की बैटरी है, जो कि 66 वाट का फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। ठीक है, जो कि काफ़ी जल्दी चार्ज कर देगा। अगर हम बात करते हैं इसकी Y100A की, तो इसका जो बैटरी है वो 4500 mAh की है। ठीक है, जो कि 44 वाट को फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक दिन दोनों में आपको बैटरी निकल जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज करते समय आपको 10 या 15 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, ये पहले हो जाएगा, ये थोड़ा बाद में होगा। लाइक दिस, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। कंपेरिजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।